हेलो एवरीवन हाउ आर यू उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे मेरा नाम आशीष राज बंधू है और आज हम लोग जो है कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे जो पिलम्स से रिलेटेड हैं जुडिशरी की खासकर कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट से रिलेटेड तो वी विल डिस्कस एट सम समस्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिल्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम समिच इज इम्पॉर्टेंट फॉर द देंस पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्यारे बच्चों दिस इज द स्ट्रैटी कि जब भी कोई क्वेश्चन पेपर बनता है तो ये कोशिश करी जाती है कि हर टॉपिक हर चैप्टर को कवर किया जाए सपोज इफ़ देयर इज 23 चैप्टर इन आईपीसी और मैं क्वेश्चन पेपर सेट करूँगा तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं एटलीस्ट लगभग लगभग सारे नहीं तो सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को तो जरूर मैं टच कर लूँ वही बात यहाँ पर भी है तो मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और उनके आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं और अगर आपको नहीं मिलेंगे तो बहुत आसान से हैं वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है ना और उसका आंसर आपको देना है दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वालिटी प्रोविजंस प्रोवाइडेड इन आर्टिकल फोर्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन इंफ्लुंस्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए Constitution of Canada, the Constitution of Japan and Australia. I am again repeating my question. The equality provision provided in artic Article 14 of the Constitution of India has been influenced by the Constitution of the USA, Constitution of Canada, Japan and Australia. Please comment your answer. Okay. Number two. इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज के टाइम में तो बार बार पूछा जा रहा है तो वही में हम लोग रिपीट करने वाले हैं द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी एज एंटीथि ऑफ द आर्बिट्रेरिनस वॉज प्रपाउंडेड फर्स्ट बाई द सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट अगेन आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेलिटी as an antithesis of the arbitrariness was propounded first by the Supreme Court in which of the following case? The answer is Ramakrishna Dalmia versus Justice Tendulkar, number 2 Menka Gandhi versus Union of India, number 3 E. P. Royappa versus State of Tamil Nadu and number 4 State of West Bengal versus Anwar Ali Sank Sarkar. What is the correct answer, please comment below. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसको भी आप ध्यान से सुने सुने और इसका जवाब दें इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्टरिटी दैट इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द दर्बिटेरीनेस दैट इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द दर्बिट्रेरीनेस वॉज प्रोपगेटेड बाई जस्टिस भगवती इन विच केस नंबर वन अगेन आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वेलिटी

TMA Pai Foundation versus State of Karnataka. What is the correct answer? Please reply, please comment below. Theek, na? As you all know, Section 497 of the IPC has been declared unconstitutional in the very leading case of the Joseph Sign versus Union of India. So, this is the question related to the Section 497 of the IPC. आईपीसी विच हैजिन डिक्लेयर्ड अनकूशनल ऑन विच ग्राउंड ठीक है चलो इसका जवाब दो आप द सेक्शन फोर नाइनटी ए मेल पार्टिसिपेंट इन द ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री इज अल्ट्रावायरस इन विच ऑफ द व्यू प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल फोर्टीन आर्टिकल फिफ्टीन थ्री आर्टिकल आर्टिकल ट्वेंटी वन एंड आर्टिकल ट्वेंटी वन वट इज द करेक्ट आंसर वट इज द करेक्ट आंसर प्लीज कमेंट ठीक है जल्दी जल्दी से इनको सारे क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए आप मेरा कैचअ रूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आप एग्जाम में अगर फिल्म के क्वेश्चन मार्क करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल फाइंड आउट दिस क्वेश्चन कैचअप रूल स्टैब्लिश बाई द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिलेट्स टू विच ऑफ दर्टिकल ऑप्शन नंबर थ्री आर्टिकल फिफ्टीन फोर एंड ऑप्शन नंबर फोर आर्टिकल फोर ए वट इज दंसर प्लीज कमेंट बिलो ठीक है जल्दी जल्दी जवाब दे सारे बच्चे ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका भी आंसर आप हम लोग को करेंगे ठीक है कंप्लीट और पार्सियल विथ रेस्पेक्ट टू आर्टिकल नाइनटीन वन ए विथ रेस्पेक्ट टू आर्टिकल नाइनटीन वन सी विथ रेस्पेक्ट टू आर्टिकल नाइनटीन वन जी With respect to the Article 191 e, what is the correct answer? The my question is: State may create monopoly, complete or partial, in respect to Article number 191 a, Article number 191 c, Article number 191 g, Article 191 e. What is the correct answer? Please reply. Please comment. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है ध्यान से सुने और इसका जवाब दें पहले बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द आंसर इज आर्टिकल नाइनटीन आर्टिकल ट्वेंटी आर्टिकल सिक्सटीन आर्टिकल सेवनटीन वट इज द करेक्ट आंसर आर्टिकल नाइनटीन आर्टिकल ट्वेंटी आर्टिकल सिक्सटीन और आर्टिकल टेन वट इज द करेक्ट आंसर ठीक है आई एम प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है दिस इज रिलेटेड टू द इंडियन एविडेंस एक्ट ठीक है प्लीज मेक द रिलेशन एंड गिव द आंसर Which of the following cases constitutionality in which of the following cases the constitutionality of section 27 of Indian Evidence Act was challenged for violation of article 23 of the Constitution of India? I am again repeating my question, dear students. The question is in which of the following case constitutionality of section 27

Correct answer. Please reply. Please comment below what is the correct answer. Now again, next question. Prepare yourself for the next question and give your answer. The next question is what is provision article 22? 22, 22. Article 20 clause 2. एक्सपोस्ट फैक्टो डबल जियो पार्टी सेल्फ इनक्रीम सेल्फ कन्विक्शन नन ऑफ दब वट इज दंसर ठीक है ट्वेंटी क्लॉस टू ठीक है ये क्वेश्चन है इसका जवाब आप दें दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन और बार बार कई बार हर जगह जो है ये पूछा गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम बोलता है नो पर्सन शैल बी पनिस्ड ट्वाइस फॉर देंस इज इनकारटेड इन आर्टिकल नाइनटीन वन एफ आर्टिकल ट्वेंटी क्लॉज टू आर्टिकल ट्वेंटी टू आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट वॉट इज द करेक्ट आंसर वॉट इज द करेक्ट आंसर? प्लीज रिप्लाई कमेंट करें और इसका आंसर दें ठीक है कमेंट करें और इसका आंसर दें द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्रीन ऑफ डबल जियो पार्टी इन आर्टिकल नाइन आर्टिकल ट्वेंटी क्लास टू of the constitution of india means no one can be tried no one can be tried and punished more than once for the same offense number one number two one, uh, one can be tried several times for the same offense option number three पनिशमेंट वंस अवार्डेड कैन बी कैन नॉट बी एनहेंस्ड इन अपील और रिविजन ऑप्शन नंबर फोर वंस कैन बी ट्राइड मोर देन वंस बट पनिस्ड ओनली ठीक है इसका जवाब दो आप पनिस्ड ओनली वन टाइम प्लीज रिप्लाई फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है आप इसका रिप्लाई दें कमेंट में इसका जवाब दें और मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं

करेक्ट आंसर प्लीज कमेंट जवाब दें सारे बच्चे इसका जवाब दें वॉट इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसका भी जवाब मुझे आपसे चाहिए सेम है सिमिलर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड दैट द रिजल्ट ऑप्टेंड थ्रू द इनवॉलेंटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन एंड ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल विच इज बीप ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल टेस्ट आर्टिकल 23 ऑफ़ थ्री कॉन्स्टिट्यूशन दिट्यूशन ऑप्शन इज मनोरमा मसूरेरकर वर्सेस धनलक्ष्मी जी सा नंबर टू सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका नंबर थ्री पीवी मुदलियार वर्सेस डिप्टी कलेक्टर ऑप्शन नंबर फोर स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस डी एम मुदलियार ट इज दी करेक्ट आंसर ठीक है इन सारे क्वेश्चन की रिप्लाई आपको देने हैं ठीक है, है ना और आपको इसका जवाब भी देना है ठीक है कुछ क्वेश्चन रिट से भी पूछ लेते हैं उनको भी आप रिप्लाई करिए बड़े आसान से क्वेश्चन है द्रोप्रिएट रिट इश्यूड बाई द कोर्ट टू क्वेस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस इज दैट ऑफ प्रोहिबिशन री कोवॉर टो मैंडेमस वॉट इज द करेक्ट आंसर वॉट इज द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वाई इफ द रिट ऑफ मैंडेमस इज श्यूड नंबर वन इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है टू डायरेक्ट ए पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स पब्लिक ड्यूटी टू क्वेस कॉसी ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्स ओके टू क्वेश्च ए लीगल अपॉइंटमेंट इन ए पब्लिक ऑफिस टू प्रोहिबिट ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस टू प्रोहिबिट ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस वॉट इज देक्ट आंसर व्हाट इज देक्ट आंसर ठीक है आप इन सारे सवालों का जवाब दें और मुझे इनको आप कमेंट करके बताएं कि इनके आंसर क्या है चलिए क्वेश्चन और पूछ लेते हैं One of the following case this is the case related to the directive principle of state policy which is known as dpsp which of the following case were the provisions of constitution 42nd amendment act which gave precedence to all or any directive principle of state policy over the fundamental right invalidates by the supreme court number 1 indira gandhi versus rajnarayan woman rai versus union of india नंबर थ्री केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड नंबर फोर मिनरवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया व्हाट इज द करेक्ट आंसर प्लीज कमेंट बिलो ठीक है चलो एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है ठीक है विच आर्टिकल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर्टिकल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स टॉक्स अबाउट दिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दीज इजमेंट ऑफ इंडस्ट्री थ्री थ्री ए आर्टिकल फोर्टी थ्री बी आर्टिकल फोर्टी टू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका आप आंसर हमें दें ठीक है ना और एक क्वेश्चन चलो चलते चलते और पूछ लेते हैं अगर आपकी इच्छा है तो और सारे क्वेश्चंस का जवाब खोज के आप कमेंट करें द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल मैनुअलजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट टू थाउजेंडर्टीन इज टू इंश्योर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन इज टू इंश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल वन ऑफ द गोल इन द प्रीएम्बल नंबर टू राइट टू लाइफ विद डिग्निटी इंप्लीसिट In the fundamental rights number three, protection of the weaker section, protection of the weaker section from social injustice and all form of exploitation, thicke, as provided in article 46 and all of the above. What is the correct answer? Please, dear students, these are all the questions which is important for the prelims point of view. These are all the questions, questions related to the constitution. Thicke. This is the practice session. This is the exercise. Okay, a quick exercise. I am waiting for your replies. Th okay, please do comment in uh, your answers. Thank you so much.